हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम दोबारा से देखने जा रहे हैं जीमी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से है, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, विद विच ब्लॉक जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है belongs to। हमारे पास ऑप्शंस है S, P, D और F। अब कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो तो इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हम कैसे ब्लॉक निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का वो आज की इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। साथ के साथ मैं आपको इसमें एडिशनली ग्रुप कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का वो भी हम जानेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर हम किसी भी एलिमेंट की हम पूरी पोजीशन निकालेंगे कि वो भैया उसका क्या ग्रुप है, वो क्या उसका पीरियड है और क्या उसका ब्लॉक है, तीनों बातें हम निकाल लेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी ठोक देना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लॉक हमसे पूछा गया है किस एलिमेंट का, जिंक का हमसे पूछा गया है। ब्लॉक ऑफ जिंक एलिमेंट इज, इसका क्या ब्लॉक होगा उसको हमें यहाँ बताना है, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जिंक है और इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, 30 होता है ना, तो 30 इसका एटॉमिक नंबर है। तो मैं इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो क्या होगी, स्कूल पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला क्या है, एस है, तो यहाँ पर नंबर डाल देते 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और पी कहाँ से, 2 से, तो 2 और फिर 3, ठीक है। चल एस पे कितने होते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम, 2, 4, और यहाँ पर फिर आता है 2, 2, 6, यहाँ पर आता है 6। पी पे कितने होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं, फिर एस पे 2 आ गई, पी पे फिर से 6 आ गए और एस पे 2 आ गए, तो कितने हो गए काउंट करते हैं, 4 और 6, 10, 4 और 6, 10, अभी तक यहाँ पे हमारे पास 20 हो चुके हैं यहाँ तक। तो अभी और जाना है हमको, तो स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 4s2 हो गया था, अब ये 3d चलेगा, 3d, और ये 3p यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4p, और ये 4s है तो यहाँ पे 5s, ठीक है। अब हमें कितना और देखना है, हमें यहाँ पे 20 हो गई थी, हमें 10 और लेनी है, तो 10 हम सीधे सीधे इसमें डाल सकते हैं, तो इस पे 0 रह गया, इस पे 0 हो गया, इसका मतलब कि इनको अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये 0 है, ठीक है। तो मतलब कि जो लास्ट वाले जो है वो कहाँ पे आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे बढ़ रहे हैं, 3d पे, किस पे, 3d पे, ठीक है। तो अब हम बात कर लें सबसे पहले इसकी ब्लॉक की, किसकी ब्लॉक की, तो इसका ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक देखिए हम इसे क्या कहता है, सबसेल रिसीव्स, जो सबसेल जो कि रिसीव करेगी लास्ट इलेक्ट्रॉन। भैया जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी वो ही उस एलिमेंट का क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि भैया जो 3d वाला था उसने क्या लिया है, उसने रिसीव किए हैं लास्ट के 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में हम पता ये तो क्या है, n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो लेकिन हमें यहाँ पे ब्लॉक बता दो, डी ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब इसका जो ब्लॉक क्या है वो डी हो गया, ठीक है, डी तो इसका हो गया ब्लॉक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं, जो भी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पीरियड की, तो देखिए पीरियड की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए पीरियड में हमें क्या पता है, वैलेंस सेल नंबर, जो पीरियड क्या होता है, वैलेंस सेल का जो नंबर होता है वो होता है। अब देखिए यहाँ पे वैलेंस सेल को आपको ध्यान रखना है, वैलेंस सेल कौन सी होगी, आपको पूरे में घूमना है और यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो n की वैल्यू किस में है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 4s2 में यहाँ पर 4 है और 3d10 में यहाँ पर 3 है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और लेकिन 4 यहाँ पर है तो सबसे ज्यादा n है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, इसका 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। आपको क्या देखना है पीरियड के लिए, बैलेंस सेल का नंबर देखना है। अब यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सी होती है वो आपको ध्यान रखना है, जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा n होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने लिया था, 3d ने लिया था, जिसमें d ब्लॉक हमारा, इसका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। लेकिन जो बैलेंस सेल है उसका नंबर हमारे पास कितना है, 4 है, इसका सबसे ज्यादा नंबर है, तो इसको ही आपको यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर 5s2 होता, 4d10 होता तो 5 लिखते आप, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में थोड़ा सा पंगा है, ग्रुप में आपको 3 तरीके हैं, उनको तीनों को आपको दिमाग में रखना है, तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए
ग्रुप में पंगा है उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो एलिमेंट है एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किससे, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक से, अगर एलिमेंट है वो एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारा ग्रुप नंबर होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वो हमारा डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर हमें पता है देखिए जो एस ब्लॉक है वो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आता है वहाँ पर, तो यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम इसका हमें पता है क्या होता है एटम नंबर 11, तो 11 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल इस तरह से 1, 2, 3 और यहाँ पर 2 हो गया, 2 फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 6 कितने हो गए, 10 और यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 11 है। तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है, एस में आया है तो एस इसका ब्लॉक हो गया, ये बात समझ आ रही है। तो ये यहाँ पर जो ये 3 है ये हमारा इसका क्या है, पीरियड है, पीरियड क्यों है क्योंकि यही बैलेंस सेल नंबर है इसका, जो सोडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी तो हमने यहाँ पे देखा भैया जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 3 की है, 3 सबसे ज्यादा है सब में, इसलिए इसका क्या हो गया वैलेंस शेल हो गया और ये हमारा इसका पीरियड हो गया और ब्लॉक हमारा क्या हो गया एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। और इसका जो ग्रुप है वो क्या हो गया, ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ग्रुप इसका हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, क्यों होगा, देखिए जो बैलेंस शेल थी, बैलेंस शेल कौन सी है, 3s वाली है और 3s पे क्या एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक ही ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप इसका हो गया। और ये हमें पता भी है भैया कि सोडियम का क्या होता है, वो फर्स्ट ग्रुप में ही आता है। तो अब बात कर लेते हैं अपना दूसरा, जब एलिमेंट एलिमेंट जब कहाँ पे भैया, एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक से, अब एलिमेंट अगर पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है तो वो कैसे हम करते हैं, उसके लिए एक कंडीशन रहती है, उसके लिए आप समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 आपको ऐड करना है प्लस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं, उसमें 10 ऐड कर देना है। ऊपर क्या था देखिए, हमने एस ब्लॉक में देखा सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन पी ब्लॉक में हमें 10 को ऐड करना है, क्या करना है 10 प्लस करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में बस। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका मैंने ले लिया एग्जांपल सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है 1, 2, 3, 4 ठीक है 2, 3 ठीक है 2, फिर 2, फिर 6 यहाँ पे हो गया हमारे पास कितने पूरे 10, फिर 2 और यहाँ पर कितने मिल गए 4, तो ये हमारे पास 0 रह गया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 होगा और ये 2 4 और 2 6 हो गए 16 हो गए, तो ये 0 हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। ठीक है, तो हमारी जो बैलेंस सेल बन रही है वो कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। अभी देखिए ये बैलेंस सेल क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसलिए हमारे पास ये पूरी बैलेंस सेल बनेगी, इतना आपको दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं ब्लॉक की बात, भाई इसका ब्लॉक कौन सा है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में गया है ना, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए जो ब्लॉक है वो तो पी हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा सही हो गया, पहला जो आंसर था ब्लॉक वो आ गया। दूसरा हमारे पास पीरियड, अब हम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो देखिए मैंने पीरियड में क्या कहा था, ये जो बैलेंस सेल है उसका जो हमें एंड देखना है, एंड मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरी बैलेंस सेल इसका भी एंड 3 है, इसका भी 3 है, क्योंकि बैलेंस सेल जब भी तो होगी, तो यहाँ पर हमारा जो इसका पीरियड है वो कितना हो गया 3 हो गया, तो पीरियड भी आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में हमने बात ही की थी जब भैया ब्लॉक कौन सा है पी है, तो ग्रुप हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे किसमें, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सी है, जो बैलेंस सेल थी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये 6, तो टोटल कितना हो गया 16, और यही हमारा इसका क्या हो गया ग्रुप हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका ग्रुप हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरी कंडीशन, जब एलिमेंट बिलोंग करता है डी ब्लॉक से, किससे डी ब्लॉक से, तो अब हमारा जब एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करेगा तब क्या होगा, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रुप नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी सबसेल प्लस एन एस सबसेल, जो एन एस सबसेल है और जो एन माइनस वन डी सबसेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको ऐड करना है, वो आपका ही ग्रुप नंबर बन जाएगा। अब नहीं समझ आया बिल्कुल भी, तो एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, इसको आपको बस दिमाग में थोड़ा सा रख लेना है। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था जिंक का, तो इसको ही देखते हैं दोबारा से, इसको फिर से लिखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 2, 3,
और फोर और ये थ्री, यहाँ पे दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर छः, यहाँ पर दो, यहाँ पर छः और यहाँ पर भी दो। तो यहाँ तक हमारे पास हो गए 20 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, तो ये हमारे पास फिर से हो गए 0। तो इनकी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो 3D हमारा लास्ट है, तो 3D वाला है तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक तो हमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, डी ब्लॉक में। इसका मतलब इसका जो ब्लॉक है वो तो आ गया डी, ठीक है, डी ब्लॉक आ गया। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की। तो पीरियड हमें क्या पता है भैया, पीरियड हमें सिंपली कहता है कि जो वैलेंस सेल था उसका हमें एन बता दो। एन मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि वैलेंस सेल नंबर भी उसको कह देती है। तो देखिए वैलेंस सेल हमें क्लियरली लिख लिया 4s2 है, यहाँ पर कौन सी है वैलेंस सेल, कौन सी है ये है, तो इसको VS से लिख ले आओ। देखो तो ये हमारे पास वैलेंस सेल है, तो इसका हमें अभी क्लियर दिख रहा है कितना पीरियड है, इसका नंबर कितना है 4, तो इससे इसका पीरियड भी कितना हो गया 4। पीरियड आ गया। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप लास्ट बच गया है, ग्रुप को जान लेते हैं फटाक से। देखिए ग्रुप में हमसे क्या कहा गया है, ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए जब भी डी ब्लॉक आ जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n-1d सबसेल और उसके बाद ns सबसेल। तो देखिए n-1d और ns ये हमारे पास वैलेंस सेल थी, वैलेंस सेल है ये बिल्कुल है, इसी का हमें क्या है ns। तो n कितना है इसका, इसका अगर मैं n की बात करूँ तो इसका n है हमारे पास 4, ठीक है, और ये हमारे पास ऑटोमेटिक लिख रहा है कि n-1 है। तो यहाँ पर आपको n-1 को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक जो भी डी आएगा वो हमेशा n-1 ही आएगा, जो लास्ट वाला होगा। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन से आपको उसको देखना है, और जो वैलेंस सेल थी उसके जो इलेक्ट्रॉन से आपको उनको देखना है, उन दोनों को ऐड करके आपको आंसर दे देना है। तो यहाँ पर कितने हैं 10 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो 10+2 कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका जो ग्रुप है ये हमारे पास 12 आ गया। तो इस तरह से आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकालना होता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो में, आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही, तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में जाके पूछ लेना। और अगर आप चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया है ये पूरा आपको डाउनलोड करना है, तो आपको एक क्लिक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक पे क्लिक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।